टॉप 3 बेस्ट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फोन्स अंडर 15,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे 3 स्मार्टफोन जहां पर आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि यहां पर प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे जरूर होगी, लेकिन आपको यहां पर बाकी की स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको यहां पर जो फीचर्स मिलेंगे दोस्तों, वो भी कमाल के होंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जो कि एक नॉन चाइनीज फोन चाहते हैं, साथ में उन्हें OIS का सपोर्ट चाहिए और 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्लास्टिक की बैक आपको मिलेगी। बट ओवरऑल यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी दी गई है, और साथ ही 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस और 208 ग्राम के साथ में आता है, क्योंकि 4K अंदर आपको यहां पर बड़ी बैटरी भी दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले। साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट दिया गया है, और रही बात गेमिंग की तो 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको बहुत अच्छी दी गई है। हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच की जगह पर यहां पर पंच होल होता तो और ज्यादा कमाल हो जाता। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर 3 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहां पर आपको OIS का फीचर भी दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। रही बात इमेज क्वालिटी की तो इमेज क्वालिटी में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, तो आपको यहां पर इमेज आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30fps। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का F2.0 वाला सेंसर जो कि आपको यहां पर डिसेंट क्वालिटी की आउटपुट निकाल कर दे देता है। और रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30fps। सो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5nm बेस्ड 1280 का चिपसेट, और यहां पर आपको दिया गया आर्म वाली G68 का GPU जो कि आपको यहां पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने वाला है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर मीडियम लेवल की ही गेमिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर लगभग 460,000 के आसपास Antutu स्कोर मिल जाते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4SC रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा। रही बात यहां पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहां पर 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा दिया गया है। साथ ही ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको यहां पर बॉक्स के अंदर कोई एडेप्टर नहीं दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल तो अच्छा है, लेकिन एडेप्टर होता तो और अच्छी बात होती। तो चलिए बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहां पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, तो ये अच्छी बात है क्योंकि यहां पर आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाले और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी फोन काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं पर बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहां पर आपको 12+ 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी कमाल की बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो दोस्तों इस समय 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 13,999 रुपए। बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ, और दोस्तों अगला स्मार्टफोन भी आपको काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, साथ में आपको यहां पर 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन यहां पर Realme का P1 5G। बात करें फोन की, तो दोस्तों यहां पर ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और रही बात डिजाइन की तो डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंचेस के फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल के साथ में, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, और 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहां पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की तो 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहां पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं, आपको यहां पर वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहां पर सैमसंग का
S5 के JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती है, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाइलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NMAs MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए आम वाली G68 MC4 का 4 कोर का GPU देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है, सो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस रियलमी UI 5.0, तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, और सबसे अच्छी बात आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले, सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये स्मार्टफोन इजीली आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले फोन की। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन भी आपको लगभग 16,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर लावा का ब्लेज कर्व 5G। स्मार्टफोन भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और अगर हम बात करें फोन की डिजाइन की, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जहां पर आपको बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। और अच्छी बात यह भी है कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से ये स्मार्टफोन हल्का सा कर्व है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। और इन सभी के अलावा 8.8 mm की थिकनेस और 189 ग्राम के साथ में आता है, सो देखा जाए तो वेट के मामले में फोन अच्छा है, तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो ये फोन आता है 6.67 इंचेस की एक फुल HD+ वाली AMOLED पैनल के साथ में, जहां पर आपको ड्रैगन टेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है, साथ में HDR10+, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहां पर 800 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहां पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते। बात करें गेमिंग की, तो 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है, सो ओवरऑल आपको यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी में कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन की कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया, और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर मिलता है। वहीं पर फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट फिर भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर इमेज आउटपुट मैं कहूंगा कि डिसेंट ही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे डे लाइट हो या लो लाइट, आपको यहाँ पर इमेजेस अब वो एवरेज ही देखने को मिलने वाली है। हालांकि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पर कैमरा में और इम्प्रूवमेंट आ जाए। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NMAs MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको आम वाली G68 MC4 का 4 कोर का GPU दिया गया है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग 5,70,000 के आसपास ऑन द टू पर स्कोर करता है,
जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्कोर है। और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है, जो कि दोस्तों अभी तक हमें किसी भी स्मार्टफोन के अंदर इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखने को तो नहीं मिलते। सो देखा जाए तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी दी गई है और दोस्तों ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। गेमिंग वगैरह में भी आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इश्यूज नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। सो देखा जाए तो यहाँ पर बैटरी मॉडल भी आपको अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 14 और 15 का अपडेट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और साथ ही 3 साल के आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। लेकिन 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G SIM ही लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं आने वाले हैं। सो और देखेंगे तो लावा की तरफ से एक कंप्लीट पैकेज है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, अगर आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 17,999 रुपए की कीमत पर। पर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 1500 रुपए तक का ऑफ मिल जाएगा, यानी इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन 16,500 रुपए की कीमत तक आपको मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।